मेंटेनेंस में यदि काम पाना चाहते हैं आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो किस तरह से आप यहां पर काम पा सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में मेंटेनेंस में काम पाने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री होना कंपलसरी है, टेक्निकल होना कंपलसरी है। यदि आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो आपका मेंटेनेंस में हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, चलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप जो है दोस्तों अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आप जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने रिज्यूम में लिखिए, तो वहाँ पर मेंटेनेंस को फर्स्ट नंबर में प्रीफर करिए, ताकि वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो वहाँ पर सबसे पहले मेंटेनेंस ही होगा। तो वहाँ पर मेंटेनेंस रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बेसिक थ्योरी पूछी जाएगी, आखिर आप मेंटेनेंस में क्यों चाहते हैं, आपका मेंटेनेंस में इंटरेस्ट क्यों है, ये सब कुछ चीजें पूछी जाएंगी। तो आप इसका तैयारी करके आइए, आप नेट में थोड़ा सर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए, आपको मेंटेनेंस रिगार्डिंग ही चीजें पूछी जाएंगी। और दोस्तों वहां पर जब आप रिज्यूम अप्लाई कर देते हो, तो फिर वहां पर आपका जब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, तो मेन वहां पर टेक्निकल राउंड होगा और एचआर राउंड होगा। तो टेक्निकल राउंड में ही डिसाइड कर दिया जाएगा कि क्या आपको मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो दोस्तों वहां पर मेंटेनेंस के अंडर में भी कुछ काम, बहुत सारे नीचे काम होते हैं, टूल का काम होता है, लाइक वहां पर बहुत सारे टूल रूम में भी काम होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहां पर उस पर काम दे देते हैं। धीरे धीरे आप वहां पर काम करते करते आप मेंटेनेंस में काम पा सकते हैं, अंदर ही अंदर अपने कॉन्टैक्ट बनाकर आप मेंटेनेंस में आ सकते हैं। मेंटेनेंस में दोस्तों अब यहां पर भी कई पोस्ट होती हैं, लाइक यहां पर आप वहां पर वर्क एज अ ऑपरेटर काम करते हो, एज अ सुपरवाइजर, वहां पर भी इंजीनियर होता है और सीनियर इंजीनियर होता है, मैनेजर, एचओडी, वहां पर भी दोस्तों प्लानिंग करने वाला होता है। मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट, अलग ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट, तो इसी तरह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी है। और यदि आप मेंटेनेंस में काम पाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिज्यूम में ही फर्स्ट में मेंटेनेंस और सेकंड नंबर में आप प्रोडक्शन या क्वालिटी कुछ भी रख सकते हैं। यदि आप मेंटेनेंस रखते हो तो यहाँ से आपका डिसाइड हो जाएगा जब आपका टेक्निकल राउंड होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ही ऐसा सब कुछ शो कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हो सामने वाले टेक्निकल राउंड में ही कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मेंटेनेंस में, और आप मेंटेनेंस में बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ वहीं पर इंटरव्यू में ही प्रूव कर देते हो, और तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और आप टेक्निकल टीम जो है सोचने पर मजबूर हो जाती है आपके प्रति। और दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर आप दोस्तों फिटर से हो, तो मेंटेनेंस ही आपको मिलता है, आपको ज़्यादा घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन में दोस्तों रखते हैं मेन मैकेनिकल वालों को, और मैकेनिकल से अगर कोई है जैसे और किसी ब्रांच से, अदर ब्रांच से है, तो उसको प्रोडक्शन में दे देते हैं या फिर क्वालिटी में दे देते हैं। मेंटेनेंस में खासतौर पर एक्सपीरियंस बंदों को रखा जाता है, जिनको किसी इंडस्ट्री का एक दो साल का एक्सपीरियंस होता है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपका रेफरेंस है तो ज़रूर हो जाएगा, यदि रेफरेंस नहीं है तो तब भी रख लेती कंपनी, लेकिन जो चीज़ें मैं बताई आपको वही चीज़ यदि आपको फॉलो करते हैं, वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तभी आपका होगा। तो आपको टेक्निकली चीज़ें स्ट्रांग करके आना है, थोड़ा मेंटेनेंस के बारे में आप जरूर पढ़ के आइए कि प्री प्लानेड मेंटेनेंस क्या होता है और पोस्ट प्लानेड मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस में है यार। मेंटेनेंस के बारे में यदि आप आना चाहते हो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो यूट्यूब में आप सर्च कर करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आइए, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम मिल जाना बस बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जब काम करने के लिए आप उतरोगे, कुछ भी मशीन में शट डाउन लग गया तो आपको काम करके देना भी पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, यदि आप ट्रेनिंग में रहते हो तो पहले ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कितने टाइप प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको ट्रेनिंग के बाद आपको खुद करना होता है। इसलिए मेंटेनेंस में आपको खुद काम सब कुछ सही करके देना होगा। और यदि आप सीनियर के साथ काम करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आप काम करते करते काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो। दोस्तों वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप मशीन शॉप में ही चले जाओ, मशीन शॉप में आपको ऐसे इतने टाइप की मशीनें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर सीखते ही रहोगे, आप लाइफ टाइम अपना स्किल्स बूस्ट करते रहोगे, बट सीखने का कोई सीमा नहीं है। बट यदि आपकी क्वालिफिकेशन है और आप एक वेल क्वालिफाइड हो, तो आपका पोस्ट भी बढ़ता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग का है, जो इंजीनियर है, उसको सब कुछ आता है, बाहर से इंजीनियर से भी हेल्प लिया जाता है इंडस्ट्री में, वहाँ के इंजीनियर से नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं आती हैं, तो बाहर से इंजीनियर बुलाए जाते हैं, मशीन को जो बनाती है कंपनी, उन कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया जाता है वहाँ पर हेल्प के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको आता है, आप हमेशा सीखते रहते हो कंपनी में रहते हो तो। लेकिन फर्स्ट टाइम यदि आप जॉब लेना चाहते हो, तो आपको कुछ ट्रिक्स और आप रेफरेंस लगा सकते हो अपना रिव्यू में, जैसे मैंने बताया, ये अप्लाई कर सकते हो बहुत। और यदि मेंटेनेंस कोई पोस्ट है फ्रेशर के लिए, तो वहाँ पर ऐसे अप्लाई कर सकते हो। और यदि कैंपस प्लेसमेंट है और आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर कुछ भी किसी भी तरह करके दोस्तों वहाँ पर आप जाकर
मेंटेनेंस में काम ले सकते हो, बाकी और कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस में फ्रेशर बंदों को बहुत ही कम हायर करती है कोई कंपनी, और हायर करती है तो एज अ मतलब हेल्पर के रूप में हायर कर लेती है, जो कि आईटीआई बंदे होते हैं उनको रख लेती है। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर को इतना जल्दी हायर नहीं करेगी यदि आप एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो रख लेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस यदि आप हो तो आप हैंडल कर सकते हो उसकी मशीनों को, अगर कोई शटडाउन आता है आप ठीक कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं ठीक कर पाओगे और आप प्रॉब्लम में खुद फंस जाओगे, तो कंपनी की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं कर पाओगे, सब मशीनें सब डाउन हो जाएंगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्वालिटी कम रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट रुक जाएगा, तो आपकी वजह से कितना नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रेशर कंपनी हायर नहीं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया कि मेंटेनेंस में काम कैसे पा सकते हैं और कंपनी क्यों नहीं रखती है मेंटेनेंस में यदि आप फ्रेशर होते हो तो। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।